छत्तीसगढ़ में एक तरफ लगातार हाथी मानव द्वंद को लेकर चर्चा का विषय बना होता है, लगातार ये बातें होती है कि किसी तरीके से भी हाथियों को रोका जाए, किसी भी तरीके से जो आम जनता है, ग्रामीण है, वो उसकी चपेट में ना आए, उनकी मृत्यु हाथियों के दौरान कुचलने से ना हो। लेकिन अब दूसरा एक मामला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हाथी का एक शावक, एक महीने का शावक जब उनके झुंड से बिछड़ गया, अपनी मादा हाथी से बिछड़ गया, तो उसके बाद लगातार वन विभाग की तरफ से कोशिश भी की गई उसे उसके झुंड से मिलाने की, लेकिन उस झुंड ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अब समस्या यही आ रही है कि उस हाथी के जो शावक है उसे किस तरीके से रखा जाए, उसे सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके रहने की व्यवस्था किस तरीके से की जाए। हालांकि इसमें अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। वन विभाग एक तरीके से जो उसके रख रखाव जिस तरीके से होना चाहिए उसके लिए लगातार एक गुहार भी लगाई गई थी वन विभाग के मंत्री की तरफ से, मोहम्मद अकबर की तरफ से, कि उसके जो शावक है उसके झुंड से, उसकी मादा हाथी से उसे मिलाने की कोशिश की जाए। यह कोशिश भी वन विभाग की तरफ से की गई, लेकिन उनके झुंड की तरफ से उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। यह बातें अब निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में एक चुनौती और एक परेशानी बनी हुई है कि अब उस शावक को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उस शावक को किस तरीके से रखा जाए, कहां रखेंगे, यह व्यवस्था अब तक वाइल्ड लाइफ की तरफ से नहीं की जा सकी है। अधिकारी 3 दिन बाद वहां पर पहुंचते हैं, जशपुर का यह पूरा मामला है, और जशपुर पहुंचते हैं वहां पर उस शावक को वाइल्ड लाइफ अब अपने अंडरटेकिंग में लेता है, और अब उसके रहन सहन खान पान की व्यवस्था वहां पर की जाती है। एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि उसे किस तरीके से उसे झुंड से मिलाया जाए। हालांकि ये कोशिशें अब तक नाकाम साबित रही है, और ऐसे में अब उसको सही तरीके से रखने, उसके सही तरीके से खान पान करने और उसको जीवित रखना एक बड़ी चुनौती यहां पर वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के लिए बना हुआ है। सीएम भूपेश बघेल आज गौधन न्याय योजना की एक और किश्त सीधे तौर पर खाते में ट्रांसफर करते हुए नजर आएंगे। 7,04,00,000 रुपए की राशि सीधे तौर पर उन किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी जो लगातार गौधन न्याय योजना के तर्ज पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके लिए उनको फायदा लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में गौधन न्याय योजना की राशि, इससे पहले महिला स्व सहायता समूहों को गौमित्र का जो क्रय सरकार ने किया था उसके एवज में भी राशि उनको दी गई है। इसके अलावा गोबर खरीदी जो सरकार कर रही है उसके एवज में भी लगातार राशि उनको दी गई है। अब तक 330 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सरकार इन तमाम गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में डाल चुकी है। एक बड़ी धनराशि है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनके आय के लिए बेहतर साधन यहां पर सरकार की इस योजना के लिहाज से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लगातार भाजपा इस पर जरूर सवाल खड़े करती है, लेकिन भूपेश बघेल जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर योजनाएं बना रहे हैं, और न केवल योजनाएं बना रहे हैं बल्कि उसके क्रियान्वयन को लेकर लगातार वो खुद ही सतत मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों को सीधे लाभ उनके खातों में मिलना बड़ी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की कवायद है, और इन योजनाओं का सीधा लाभ उन ग्रामीणों को मिल रहा है जो इससे पहले शायद बेरोजगार हुआ करते थे, शायद उनके पास में आर्थिक तंगी होती थी जिसके कारण उनको खाने के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि सीधे उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, और उनके पास एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे साधन हैं जिससे वो आय अर्जित कर रहे हैं, न केवल तेंदुपत्ता बेचकर बल्कि गोबर बेचकर भी, गौमूत्र बेचकर भी इस तरीके से आय अर्जित वो करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। गौधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल की सरकार ने की थी, और अब उसका लाभ सीधे तौर पर ग्रामीणों को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आज भी जो सीएम भूपेश बघेल है वो किस्त सीधे उनके खातों में देते हुए नजर आएंगे। सीएम भूपेश बघेल के रायगढ़ दौरे के बाद से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर निर्देशित किया था कि जो भी अधिकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचेंगे उन पर कार्रवाइयां की जाएगी, और इसको लेकर अब दबाव बनता हुआ भी नजर आ रहा है, इसका एक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहले जांजगीर चांपा के कलेक्टर ने इस मुहिम को छेड़ा था, उन्होंने भी अचानक से दफ्तरों में जाकर टोह ली थी कि कौन समय पर आता है कौन नहीं आता है। 120 लोगों को उस दौरान में उन्होंने नोटिस भी थमाया था, कारण बताओ नोटिस। और अब बलौदाबाजार के जो कलेक्टर हैं उन्होंने भी कई कर्मचारियों को, अधिकारियों को वहां पर कारण बताओ नोटिस थमाया है, वो भी अचानक जाकर दफ्तरों का मुआयना करते हुए नजर आए। ऐसे में अब प्रदेश की बेहतर जो आधिकारिक परिस्थितियां हैं, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सुधारने की बात यहां पर चर्चा शुरू हो गई है कि सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद, कड़े रुख के बाद में अब यहां पर कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वो 5 दिन काम कर रहे हैं, और 5 दिन काम करने के साथ में समय पर वो काम करते हुए नजर आएंगे, समय पर आम जनता की परेशानियां दूर होती हुई नजर आएगी, और प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो भी समय पर पूरी होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अब 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कलेक्टर
कलेक्टरों ने शुरुआती दौर पर तमाम जो ऐसे कर्मचारी थे जो समय पर नहीं आते थे उन लोगों को नोटिस दिया है, कारण बताओ नोटिस दिया है, और अब अन्य जिलों में भी कुछ इसी तरीके की कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है जहां पर कर्मचारी मनमानी रवैया अपनाते हैं, जनता की परेशानी को सुनते नहीं है या फिर मनमाना दफ्तर पहुंचते हैं। लेकिन ये कब तक ऐसा चलेगा और कब तक लोगों के बीच में ये परेशानी का सबब बना रहेगा, इसको परमानेंट किस तरीके से दूर किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसको आने वाले समय में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी कि वो किस तरीके से इसे दूर करते हैं। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल बालोद के दौरे पर है और आज भी उन्होंने 130 करोड़ रुपए की सौगात विकास कार्यों का भूमि पूजन के साथ में कई अन्य सौगातें उन क्षेत्र के लोगों को सीएम भूपेश बघेल ने दी है। लगातार सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौरा चल रहा है और अभी तक जो दौरा रहा है उस दौरे में कई तरीके की बातें निकल कर सामने आई। कुछ ग्रामीणों ने उन्होंने चर्चा की, कुछ बच्चों से उन्होंने चर्चा की, कुछ परिवारों से उन्होंने चर्चा की, जिसने जो मदद मांगी सीएम भूपेश बघेल ने दी है, जिसने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, जिसके माता पिता भी नहीं थे उसको आगे पढ़ने के लिए उन्होंने मदद की है, इसके साथ में जिसको स्वास्थ्यगत सुविधाएं थी, जो आर्थिक व्यवस्था जिनके पास में नहीं हो पा रही थी उनको सीएम भूपेश बघेल ने आर्थिक मदद भी इस दौरान में प्रोवाइड की है। तो इस तरीके से लगातार सीएम भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है अभी तक जिस तरीके से इसे देखा जा रहा है, न केवल वो नब्ज टटोल रहे हैं कि किस जिले में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, सरकारी अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, बल्कि वो ये भी देख रहे हैं कि आम जनता का मूड क्या है, जनता किस तरीके से भूपेश सरकार के बारे में सोचती है, भूपेश बघेल को लेकर जनता का क्या किस तरीके की राय है, इसको भी वो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार जो खामियां है, जो कमियां है, उसको दूर करने के लिए सीएम भूपेश बघेल उस बैठक में ही वहीं पर समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित कर वहीं पर आम जनता की परेशानी को दूर करने के लिए वो कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार उनका विधानसभाओं का दौरा चल रहा है। उन्होंने कहा था कि 90 विधानसभा का दौरा करेंगे और विधानसभा चुनाव यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ये 90 विधानसभाओं का दौरा सीएम भूपेश बघेल के लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने वादे किए थे सरकार में आने से पहले, सरकार बनने के बाद उन्होंने कई वादे पूरे किए और अब जनता के बीच जाकर वो इस बात को ही टोह ले रहे हैं कि उन्होंने जो वादे पूरे किए हैं, उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं से जनता कितनी खुश है, जनता को उसका कितना लाभ मिल रहा है, जो सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जो समय पर दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, उन लोगों को यहां पर शिकायत मिलने पर उन पर कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी, यह भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। कुल मिलाकर इसका फायदा सीधे तौर पर जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और विधानसभा का जो दौरा है वो सीएम भूपेश बघेल करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ नया उस दौरे में देखने को मिलेगा ये आने वाले वक्त ही बताएगा।